नगर निकाय चुनाव को गुणवत्तापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा रणनीति तैयार की गई है। नगर निकाय चुनाव को पूरी गुणवत्ता के साथ और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। इसी उद्देश्य को लेकर थाना पागबड़ा के प्रांगण में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की निगरानी में शांति समिति की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें नगर पंचायत पागबड़ा के सभी वार्डो से सदस्य पद के उम्मीदवार और चेयरमैन पद के उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया। और इनको अधिकार है, इनको जो ड्रेस मिली है तो जो अपनी कार्यवाही, और इसको देखते हुए हमें भी वही कदम उठाना चाहिए कि इनके ऊपर तो क्लेम ना लगा, क्योंकि इनके ऊपर लगेगा फिर ये पगड़ा झगड़ी करेंगे, मारा चोरी करेंगे, फिर उसमें समाज बदनाम करता है पुलिस प्रशासन को। पुलिस तो वही है जो आज से 5-10 साल पुरानी थी या 15-20 साल पुरानी थी, पर आज का जो पुलिस प्रशासन है उसमें बदलाव बहुत ज्यादा बदलाव है। ये तुरंत फैसला लिया जाता है, तो या कोई भाई ने बड़ी अच्छी बात है आपको समझने की, यही बात समझने की है, तो इसी आधार पर आप काम कीजिए, वोट मांगिए, प्रेम से मांगिए। 5 तक का आपको अधिकार दिया, 5 लोग आप बन करके वोट मांगिए, हम भी आपकी मांगे वोट देने का अधिकार सभी को है, उन्हें अपनी मर्जी का वोट देने दीजिए, उनको कोई जोर जबरदस्ती में मत लीजिए, और जो नियम आपको बताए गए हैं उनका पालन कीजिए। इसमें पुलिस प्रशासन की भी तारीफ होगी और हमारी और आपकी तारीफ होगी, और हमें चाहिए कि वैसे तो पुलिस प्रशासन आप देखते हैं कि कोई को परेशान नहीं करते, पर अपनी अपनी गलतियों पर अगर हम नजर डालें स्वयं, तो फिर हमसे कोई आगे को ऐसा गलत कार्य नहीं होगा जिससे कि वो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करें। तो सभी के यहाँ पे आने का धन्यवाद। वही पुलिस के आला अधिकारियों के दिशा निर्देशन में आयोजित इस बैठक में सुझाव भी मांगे गए और दिशा निर्देश भी दिए गए। अगर किसी में 60 हजार के लिए फर्जी वोट है, जिनकी डेथ हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, और उनका आधार कार्ड लेकर वोट डालने आते हैं, तो उनके क्या अथॉरिटी है सर? बैठक के आखिर में पागबड़ा कस्बा इंचार्ज द्वारा सभी को संबोधित किया गया और कहा गया कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो उनसे संपर्क करे। वो ईमानदारी से काम करें, और अगर इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि मैं रात तक घूमता हूँ, सभी लोग अपना डोर टू डोर जाके अपना वोट मांग रहे हैं, मगर कृपा करके ज्यादा नाइट तक ना घूमें, क्योंकि उससे हमें पहचान नहीं होती कि आगे आगे कोहरे का टाइम है, घटनाएं भी होती रहती हैं, तो हम जज नहीं कर पाते कि कौन चोर है कौन नहीं है, क्योंकि कोई बाहर से कोई नहीं आता, हमारे बीच से आदमी छोटी मोटी घटनाएं कर देते हैं जो बड़ा रूप लेते हैं, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, हमसे पूर्ण सहयोग की बात रखें, आपको पूरा सहयोग हमारे से मिलेगा, खासकर मुझसे किसी भी टाइम आप फोन कर सकते हैं, किसी भी टाइम उठा सकते हैं, ये मुझे सोचे कि 4 बज रहे हैं 5 बज रहे हैं कभी भी करें, मगर थोड़ा सा अपने आप भी ध्यान रखें कि कोई अगर मैटर ऐसा होता है तो उसको अपने आप ही निपटाने का प्रयास करें, और अगर हमारी बात है तो हमें अवगत कराएं, सब अच्छे लोग हैं, काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, बहुत सहयोग इस कस्बे से मिलता है, कोई उपद्रववादी बात नहीं है, और सोशल मीडिया का विशेष ध्यान, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, और इलेक्शन में जितने भी जिसके पास में शस्त्र हैं वो कृपा करके जल्दी से जल्दी जमा करना, क्योंकि जमा करना ही पड़ेगा, वो जैसा चुनाव आयोग का अधिकार है और आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा, इसलिए क्या तो अपने लाइसेंस की दुकान पे जाके जमा कर दें और हमें रसीद ला के दे दें उसकी, इस काम को जल्दी से जल्दी कर लें, जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर आदमी तक पहुंचना पड़ता, और जो कार्रवाई 116 की होगी उसमें अगर किसी की थोड़ी हो भी जाती है तो हमारे से संपर्क करें, हम उसको तय करते हैं, उसमें किसी तरह का विद्रोह पैदा ना करें, सहयोग की बात। धन्यवाद। सोमवार को आयोजित शांति समिति की बैठक में मौजूद रहे CO हाईवे देश दीपक सिंह से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आज वो शांति समिति की बैठक में मौजूद हैं। उन्होंने पागबड़ा की जनता से रूबरू होकर सुझाव मांगे हैं और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कार्य करने की अपील की है। आज थाना पागबड़ा पर
आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर के पीस कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग में सम्रांत व्यक्ति साथ में जो संभावित प्रत्याशी हैं और क्षेत्र के और सभी लोग मौजूद रहे हैं। इस मीटिंग में सभी लोगों को ये निर्देशित किया गया है, सभी लोगों से ये जानकारी भी ली गई क्षेत्र में कोई अगर समस्या हो तो उससे हम लोगों को अवगत कराएं, तथा क्षेत्र में जो भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं, इस संबंध में भी सभी लोगों को जानकारी दी गई है। इन सभी से अपील की गई है कि कभी भी कोई भी बात अगर होती है तो हम लोगों को समय रहते जानकारी में डालें, हम लोग पुलिस और प्रशासन को जानकारी में डालने के पश्चात हम लोग उसको सही तरीके से निराकरण कराएंगे। इस संबंध में सभी को अवगत कराया गया है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर क्या अपील रहेगी पाकुड़ा की जनता से? चुनाव के संबंध में पाकुड़ा की जनता से यही अपील रहेगा कि सभी लोग चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में मदद करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सभी की जिम्मेदारी होती है। इसमें हम लोग की विशेष जिम्मेदारी होती है कि हम लोग क्षेत्र में जो भी चुनाव हो रहे हैं फ्री एंड फेयर हों, इस संबंध में हम लोग कार्रवाई करने के लिए तथा इस तरह से लोगों के साथ सहयोग करने के लिए अपील कर रहे हैं लोगों से कि सभी लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में हम सबकी मदद करें तथा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सकुशल संपन्न कराएं। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि रिंकू भैया, चेयरमैन पद प्रत्याशी हाजी नईम ठेकेदार, चेयरमैन पद प्रत्याशी मोहम्मद याकूब, चेयरमैन पद प्रत्याशी हाजी तबारक के पुत्र बबलू सहित काफी तादाद में पाकबड़ा के सामाजिक और राजनीतिक लोग मौजूद रहे।